नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेपाल में भारी बारिश का दंश बिहार झेल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। कोसी गंडक और गंगा नदी में बाढ़ के चलते शहर, कस्बे, गांव, हर जगह तबाही देखने को मिल रही है। अब तक बाढ़ से 12 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। चारों तरफ पानी। आसमान की ऊंचाई से ऐसा है नजारा। घरों में पानी, गांव बना डाकू। नेपाल में भारी बारिश का दंश बिहार झेल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। कोसी गंडक और गंगा नदी में बाढ़ के चलते शहर, कस्बे, गांव, हर जगह ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। दरभंगा से लेकर सहरसा तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। ये बगहा की तस्वीर है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ पीड़ित कितने परेशान हैं। बगहा के नैनहा और चंपारण तटबंध के आसपास के इलाकों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। नदी के जलस्तर में भली कमी हो गया है और निचले इलाकों से पानी समाप्त हो गया है, लेकिन तबाही अब भी बरकरार है। और गंडक नदी ने, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, कि सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पहाड़ी नदियों में उफान के बाद बेतिया के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। नरकटियागंज प्रखंड के मझरिया गौरीपुर गाँव में कई किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। खेत में पानी लग जाने की वजह से धान और गन्ने की कई एकड़ दोनों ही नष्ट हो चुकी है। की हमने के नदी के जरी घर बा, बहुत बाढ़ आई रहा। 15 कट्ठा खेती कैल रही, से चिकन दह गई। हमने बहुत बुरा हालत बा। मझरिया गाँव, हमने के गौरीपुर मझरिया के है। कौन सी बोले रहने यहाँ? धान, धान रोपले रहनी। 15 कट्ठा चिकन भर दिले बा। बाढ़ आई रहा, सारा फसल दह गई। करीब 1.5 एकड़ फसल दह गई। कौन सी खेती कर ले रहे हैं? धान के, मंसूरी धान। कौन गांव बोले लाई? गौरीपुर मझरिया। सीतामढ़ी में बाढ़ को लेकर अभी भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। एक तरफ जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी भी लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रुन्नी सैदपुर प्रखंड में बाढ़ से सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है। यहां के पासवान टोला, धोबी टोला, कबड्डी टोला, माला टोला में हालात बेहद ही खराब है। न्यूज 18 की टीम जब बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रही थी, उसी दौरान अपनी झोपड़ी के आगे बैठी पीताम्बरी देवी ने राहत की उम्मीद से न्यूज 18 को देखा और अपना दर्द बयां किया। मैं ना रहा के बेबाता, बहुत दिक्कत में थी। कि पति आपके नहीं है? पति है। तो कहाँ है? पति गेल गुजरल, ना काम धंधा करे, ना काम कर मिला खाने के लिए। कुछ ना, प्रशासन की तरफ से सहायता की जरूरत है। ऐसे जो बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं, आखिर उनकी सुध कौन लेगा, एक बड़ा सवाल है। ऐसी स्थिति सिर्फ सीतामढ़ी में ही नहीं, दरभंगा में भी देखने को मिल रही है। सीएम के हवाई सर्वेक्षण के बाद दरभंगा में वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से उसे गिराए। डीएम के अनुसार दिन रात फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। ड्राई राशन हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, उन क्षेत्रों में भेजा गया है। साथ ही हम लोग फूड पैकेट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे माहौल में स्वच्छता के साथ तैयार करा रहे हैं। उसको हम लोग वहाँ भेज करके जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से फूड पैकेट्स भेजने का काम प्रारंभ कर दिया। बिहार में बाढ़ को लेकर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी चिंतित हैं। प्रधानमंत्री बिहार में बाढ़ के हालात का लगातार अपडेट ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने बिहार को बाढ़ से राहत के लिए 655 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी भी की है और आगे भी मदद का भरोसा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद बिहार के बाढ़ को लेकर चिंतित रहे। माननीय गृह मंत्री जी भी लगातार बिहार में बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। हर प्रकार से जो केंद्र सहायता कर सकती थी, वह सहायता उपलब्ध कराई है और आगे भी जो होगी सहायता की आवश्यकता, वह केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी।
बिहार में पहली बार ऐसे हालात नहीं बने। सवाल है कि आखिर बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी के किनारे के जिले कब तक ऐसी तबाही को झेलते रहेंगे। न्यूज 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज, दरभंगा से विपिन कुमार दास, सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। नेपाल में हुई बारिश के बाद मोतिहारी में तबाही मच गई है। जिले के संग्रामपुर प्रखंड के कई गांव और टोला में करीब 18 घर गंडक नदी में डूब गए हैं। पीड़ित लोग लगातार सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर वहां पे पहुंची और वहां के लोगों से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बारिश ने पूर्वी चंपारण में तबाही मचाई है और अभी हम खड़े हैं संग्रामपुर प्रखंड के कुछरिया गांव में। देखिए, यही वो गांव है जहां पर लगभग 18 से 20 घर जो है उसको गंडक नदी ने अपने आगोश में ले लिया है और तमाम जो परिवार है वो यहां से विस्थापित होकर जो है वो बांध के शरण लिए हुए हैं। पूरा गांव परेशान है, गांव के लोग परेशान है और खासतौर पर काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर जो है ये बयां हो रहा है कि कैसे कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है। यहाँ तो बहुत मकान ढो गया है, कोई आदमी कोई साधन नहीं है जे अपना सामान लेकर बाहर जाए, बाढ़ आ गया है। तो कितना मकान, 15-20 घर मकान पक्का का गिर गया है, फूस का जो गिरा है सो बहुत गिरा है ना। बाढ़ के लिए काम तो हो रहा था, यहाँ पे काम हो रहा था कम से कम 11 साल से तो काम में हो रहा है। हम लोग को कोई फर्क नहीं है, 30 करोड़ रुपया खर्चा हो गया फिर भी सारा गांव ढो गया। ये पैसा इतना खर्चा हुआ कि उसमें गांव बच सकता था, मगर हमारा सब दोष है सरकार का। पैसा खर्चे करने के लिए देता है मगर वो प्रयोग जहाँ से अभी देखिए दो 3 किलोमीटर के आसपास में यहाँ तक अभी पूरा गाछ बिज था। अभी तक जो भी है 20-25 घर अभी गिर गया है, अभी कितना कटाव करेगा। अनगिनत घर गिरा है, अब उसमें क्या कहना है। बहुत परेशानी में है, बहुत परेशानी में है। कोई आ रहा है कि नहीं पूछने? कहाँ कोई आ रहा है, नमक चूरा भी नहीं मिल रहा है। मैं प्रशासन से ये तमाम लोग गुहार लगा रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से मदद की जाए, उनको अलग कहीं बसाया जाए ताकि बार बार की जो बाढ़ की जो विस्का होती है उससे उन लोगों को बचाया जा सके। अनिश कुमार, न्यूज 18, संग्रामपुर। और अब खबर पूर्णिया से, जहां बाढ़ के कहर से करीब 40 पंचायत के 1 लाख से ज्यादा लोग परेशान हैं। महानंदा और कनकई का जलस्तर घट रहा है, लेकिन परमार और बकरा नदी का जलस्तर बढ़ने से अमौर प्रखंड के 30 पंचायत में स्थिति काफी भयावह है। नगर टोला समेत कई पंचायतों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर है। कई स्कूलों में भी पानी घुस गया है, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में इन दिनों बाढ़ की हालत काफी खराब है और मैं अभी मौजूद हूं अमौर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत के मैत्रा गांव में। और आप देख सकते हैं कि यहां पर चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है। लोग किसी तरह घरों के ऊपर रह रहे हैं, कई लोग तो ऊंचे स्थलों पर रह रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। मैंने आज सुबह दौरा किया पूरा पंचायत का, जिसमें 7-8 वार्ड जो है ज़्यादा प्रभावित। लोग कैसे रह रहे हैं? कोई मैंने क्या कहते हैं, मचान बना के रह रहे हैं, कोई चौकी पर चौकी लेकर के रह रहे हैं। अरे सब खत्म है, घर में पानी घुसा हुआ है, परेशानी में रहते हैं हम लोग, बहुत मुश्किल से खाना बना के खाते हैं। जो महिलाएं हैं, बच्चे बुजुर्ग, वो लोग कैसे रह रहे हैं? सब ऐसे किसी को चौकी पर, किसी को मचान में, ऐसे सरकारी स्तर से कोई अभी कोई कुछ नहीं मिला हम लोग को, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं मिला। क्या लेके जा रहे हैं? मुड़ी। अच्छा, हाँ, घर में कौन है तो कैसे खाएंगे बाल बच्चा लेकर के? दूसरा का घर में तब रहते हैं, यहाँ पानी आ घर डूब गया, घर डूब गया। हाँ जी, सरकार की तरफ से कुछ रहा है? नहीं दिया है। इसमें पानी तो बढ़ा हुआ था, लेकिन कल से आज के बनस्पत महानंदा और कनकई में पानी डाउन हो गया है और परमान में भी पानी बढ़ा हुआ। प्रशासन की तरफ से रेगुलर और जहाँ भी जरूरत है वहाँ नाव उपलब्ध करवाया गया है। SDRF की टीम दी गई है जहाँ भी जरूरत है उसी जगह पे, और जहाँ पे पानी लगा है उसी जगह पे हम लोग हवा सल दे रहे हैं।
जरूरत होगी कम्युनिटी किचन में चलाया जाएगा। अभी पिछले एक सप्ताह से बाहर है, हम लोग सुबह राशन दे रहे हैं। नदी के किनारे जितना पंचायत वो तो आपका डूबा हुआ है, नाव वगैरह सभी पंचायत में है और जहाँ नहीं है वहाँ लोगों का क्या दर्द है। लोगों को ना तो खाने का कुछ भी व्यवस्था है, खास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे आप देख सकते हैं कि किस तरह से किस हालात में ये बच्चे रह रहे हैं। प्रशासन के तरफ से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना तो सूखा राशन की व्यवस्था है, ना नाव की व्यवस्था है। लोगों की फसलें डूब चुकी है, लोग चौकी पर चौकी डालकर यहाँ किसी तरह से बसर कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन चैन की बंसी बजा रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, मैत्रा, बिशनपुर, पूर्णिया। और सीतामढ़ी में बाढ़ से आई त्रासदी के बाद दो प्रखंडों की बड़ी आबादी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। जिले के हजारों परिवार विस्थापित हो गए। जिला प्रशासन एक्शन मोड में है, डीएम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने 29 जगहों पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ की त्रासदी लगातार जारी है और पिछले कई दिनों से लोगों को बाढ़ के त्रासदी के बीच रहना पड़ रहा है। हालांकि नदियों के जलस्तर में काफ़ी कमी आई है और बाढ़ पीड़ितों की परेशानी थोड़ी कम हुई है, बावजूद लोगों की जिंदगी अभी भी संकट में है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड के मारन में और सीतामढ़ी का पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद है और पूरे स्थिति का जायजा ले रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी और सीतामढ़ी के एसपी खुद यहां प्रशासनिक अमले के बीच में मौजूद हैं, जो लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और स्थिति क्या है इसका आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि अभी परसों तक यहाँ पर जल स्तर बहुत अत्यधिक था, इसलिए यहाँ पर जो हमारे विद्यालय थे वो भी जलमग्न हो गए थे। अब जैसे जैसे पानी रिसीड कर रहा है, सारे विद्यालयों में हम लोगों ने यहाँ पे अंचलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को बोला है कि जहाँ पर भी संभावना है, यहाँ पर हमारे डीपीओ मध्याह्न भोजन और शिक्षा पदाधिकारी भी थे, उनको हमने बोला जहाँ भी संभावना है वहाँ पे स्कूल के हेडमास्टर के सहयोग से सामुदायिक भवन किचन प्रारंभ करें। सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी रिचि पांडे खुद मौजूद है, सीतामढ़ी के एसपी मनोज कुमार तिवारी यहाँ पर मौजूद है और तमाम प्रशासनिक अमला है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार भ्रमण कर रहे हैं और स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं कि किस इलाके में किस व्यवस्था की जरूरत है और वहां कैसे उसको पूरा किया जा सके। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और गोपालगंज में गंडक नदी ने जबरदस्त कहर मचाया है। बैकुंठपुर प्रखंड के शीतलपुर और सलीमपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उनकी कोई भी मदद नहीं की जा रही है, जबकि प्रशासन का यह कहना है कि राहत बचाव का काम तेजी से जारी है। हम जब 8 दिन से पानी घुसल बा, कोई हमारा व्यवस्था नहीं है, बांध पर वैसे भूखा मर रहा हूँ और न तिपाल का साधन है नहीं कुछ का साधन है। कॉल बाटे मिलल हमने क्या न रहे के सुविधा रावटी नहीं के मिलल, विधायक जी को के गोनी जहाँ सब काम करते हैं कोनो काम ना भइल अभी तक। जर जात हमने के दहिए गई, एको को कुछ कोनो साधन के घर और सब गिरिए गई बा, हमनी के चूल्ही माटो यहीं बिना खोले रह तानी सो। ये पानी कब से आई बा? पानी तो 4 दिन आई लग। और मुजफ्फरपुर में बागमती के कहर को कई गांव झेल रहे हैं और आई प्रखंड के पितोजिया सहित कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो चुके हैं और किसी तरह वो ऊंचे स्थान पर गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी एनएचए पर ही शरण ले ली है तो कुछ लोग छत पर बैठकर बाढ़ को खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं कि बाढ़ का पानी निकले ताकि वो घर में जाएं। बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। बागमती नदी ने जल प्रलय मचा रखा है। मुजफ्फरपुर के औराई इलाके हम हैं और इस वक्त पितौजिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरा गांव जो है वह डूब चुका है और लोग जो है वह ऊंचे स्थानों पर शरण ले चुके हैं। जर्जर भवन है जिस जगह पर हम हैं, ये पुराना दुकान है, जर्जर स्थिति है और यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे के साथ पूरा परिवार जो है वह
यहाँ पर शरण ले चुका है। हम इन लोगों से भी बात करें, लेकिन आपको तस्वीर दिखा दे, ये देख सकते हैं पूरा जो पितौजिया इलाका है, औराई का पितौजिया इलाका है, वो डूब चुका है, कमर से अधिक पानी हो चुका है, तमाम घरे जो है वो डूब चुका है पूरा। सवेरे से सवेरे भर में 8 बजे आप लोग सब आदमी गांव छोड़ दिए? हाँ, सब घर छोड़ दिए। यहाँ पर कहाँ पे शरण लिए हैं? रोड कात में छत पे। छत पर डर नहीं लगता? बच्चे हैं छोटे छोटे, बच्चे हैं तो डर लगता। कहाँ जिला प्रशासन के लोग आ रहे हैं कि नहीं, अधिकारी आ रहे हैं कि नहीं आप लोग के पास? ना कोई अब आ रहा है, हम लोग का घर डूब गया सर, कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग सरकारी की जमीन पर रोड के कात में है, कहाँ जाए बाल बच्चे? कितना मुश्किल हो रहा है, लाइट भी बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, हर चीज के लिए मुश्किल हो रहा है। हाँ, खाना पीना फिर कैसे होता है? खाना मिला है उधर से, सब्जी खिचड़ी मिला है। घर पे रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, चार गो बच्चे, क्या करें, डर लगता है। ठंड जो है वो बाढ़ की चपेट में है, और आई सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है, और आई के कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे जो है स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। मुजफ्फरपुर जो है वह पूरा बिहार में जल प्रलय की स्थिति देखी जा रही है, और मुजफ्फरपुर भी इससे अछूता नहीं बचा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अररिया में बकरा, नूना और परमान का जलस्तर तेजी से घट रहा है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्य भी शुरू कर दिया गया है। डीएम के निर्देश पर बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र धर्मगंज, जो कि हाट, अचरा, पोजदाहा, अमरौरी और मानिकपुर में कम्युनिटी किचन चल रहा है, जिसमें हर दिन सैकड़ों बाढ़ पीड़ित भोजन कर रहे हैं। डीएम ने लोगों से जल भराव वाले इलाके के लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। और आज जो है दो जगह में सिविल है, धर्मगंज में आपका बकनिया पुल पर और भटावाड़ी उत्कर्मित विद्यालय भटावाड़ी में। तो आज जो है, आज भी जो है मोटा मोटी 1.5 क्विंटल चावल बनाया, खिचड़ी बनाया है, दाल चावल खिचड़ी जनता को खिला रहे हैं। यहाँ भी करीब करीब जो है मोटा मोटी आपका जो है 1500 के करीब जनता आज भी खाए हैं। जो बाढ़ की अप्रत्याशित स्थिति इस बार दिखी है, हमारे ज़िले में भी काफ़ी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से लोगों को समुचित सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे सारे ऑफिसर्स फील्ड में हैं, ब्लॉक स्तरीय BDO, CEO, SHO, सभी ब्लॉक स्तरीय जितने भी ऑफिसर्स हैं, कर्मी हैं, वो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। मेडिकल टीम हमारी जगह जगह जा रही है, कैंप्स कर रही है, चलंत हमारे वेटनरी जो एम्बुलेंसेज है वो जा रही है, पशुओं को दवाइयां दी जा रही है। सीतामढ़ी में बागमती का तटबंध 4 जगह से टूटा है, ऐसे में बाढ़ की स्थिति विकराल बनी हुई है। रूनी सैदपुर प्रखंड के देवन बुजुर्ग पंचायत में जिन लोगों का घर बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गया है, उनका हाल बेहाल है। यह ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद के नाम पर मल्लाहों की ओर से मुफ्त की मछली मिली है। रौद्र रूप लगातार बनाए रखा है, और यही कारण है कि बाढ़ को आए आज 3रा दिन है, और लोग अभी भी तमाम तरह की दुश्वारियां झेलने को विवश दिख रहे हैं। देवना बुजुर्ग पंचायत है ये, और थोड़ी तस्वीर देख लीजिए कैमरे की नजर से, चारों तरफ इस वक्त बाढ़ का पानी है, और हम बहुत मुश्किल से इस रास्ते पे आए हैं। कई लोगों की जो झोपड़ियां हैं वो पानी में विलीन हो गई हैं, पक्के मकान भी जो बने हुए हैं वो भी बाढ़ की आगोश में हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज 3रा दिन है, और जहां हम खड़े हैं वहां देखिए किस कटर जो है, यहां पर तेज कटाव है, पानी लगातार यहां से निकल रहा है आगे की तरफ। ये बागमती का पानी है, और यहाँ आने में तमाम तरह की परेशानियां हैं। क्या करते हैं जंगली जी आप? अभी तक काम कुछ नहीं है, दाहर में तो बैठारू है। पहले क्या करते थे आप? इसके पहले खेती कर रहे हुआ है 3 बीघा हम। अच्छा, तो डूब गया वो पानी? पूरा दहा गया। दूसरे के छत पर आपने शरण ली है जी? खाने पीने का सामान जी सब पानी में डूबा हुआ, तो खाने पीने का सामान अभी क्या खाएगा तो नहीं खाएगा, उसका कोई रोज नहीं है। क्या खा रहे हैं आजकल? आजकल चूरा खचड़ी, अभी चूरा उरा मंगा के खा रहे हैं। मंगा के खाइएगा जी, खोलिए इसको देखें। तो देखिए ये बुजुर्ग, आप खुद से पकड़ लिए या किसी की मदद लिए? किसी ना मला दिया है, मारा है आपको दिया, यही इसी से पेट भरिए, मांगनी दिया। तो देखिए ये विडम्बना है, बता रहे हैं कि मला जो है फ्री में दिया है इनको, मंगनी में दिया है, और इसी से पेट की आग बुझाएंगे। तो ये विडम्बना है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की, मछली ही इनका भोजन बनता है। बनाइएगा कहाँ, घर में जगह है? घर पका उका के खा ले, दाहर है, कुछ जरूरत भी नहीं है, प्रशासन से कुछ नहीं चाहिए? चाहिए लाभ हो के चाहिए, हमसे तो गरीब आदमी है, दाही में है,
न जरना है न काठी है, कुछ कीन के अपन प्रतिपाल हो रहा है। सब्जी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तमाम परेशानियां अपनी जगह पर है और पता नहीं क्यों प्रशासन अब भी इन बात से बेखबर है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और इसी के साथ रुकते हैं एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।